महादेव, ऑलमाइटी महादेव में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, सारा खेल मन का ही है, इस विषय पे बात करेंगे। सबसे पहले तो मेरे सनातन परिवार के जितने भी सदस्य हैं उनका कोटि कोटि अभिनंदन है भाई, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया उनसे निवेदन है कि प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, कंट्रीब्यूट ज़रूर कीजिए। मैंने मन के ऊपर एक वीडियो बनाया था बहुत पहले, तब लोगों ने ये कहा कि बाबा जी मज़ा बहुत आया लेकिन जल्दी ख़त्म हो गया, एक वीडियो और बनाइए। आज उसी मन की बात करेंगे। मन ही की माया है भाई, ये मन ही तो माया है। आप अपनी पूरी बॉडी के अंदर उठा के देखिए, मन नाम का कोई अवयव है क्या? पूरा साइंस पढ़ लीजिए, आपको मन नाम का कोई अवयव नहीं मिलेगा। बट ये चलाता है हम सब, कोई माने या ना माने, मेरा मन नहीं है ये काम करने को। अरे बेटा, भगवान की, मेरा मन नहीं करता भगवान की पूजा करने को। बेटा खाना खा ले, ना जी ना, मेरा मन नहीं है खाना खाने को। बेटा ये मत क्या करो, ये आइसक्रीम मत खाओ, ये जंक फूड मत खाओ, मेरा मन करता है खाने। तो ये कौन सी चीज़ है जो आपके शरीर के किसी भी भाग का अवयव नहीं है और वो आपको कंट्रोल करता है? मन ही की माया है भाई। मन को अगर वश में कर लिया तो सब कुछ ही वश में हो गया। जिसने मन को वश में कर लिया उसने तो सारी सब कुछ उसके वश में है। बट क्या कोई मन को वश में कर सकता है? कोई ईश्वर की आराधना भी करता है तो उसके मन में यह ख्याल आता है कि मैं ईश्वर की आराधना करूं, उसके मन को संतुष्टि मिलती है ईश्वर का नाम लेके, तब वो नाम लेता है। तो मन की ही माया भाई। बट क्या हमें मन के वश में होना चाहिए? नहीं होना चाहिए बाबा जी, पर करे क्या, मन के वश में रहते ही हैं, क्या करें? मन मानता ही नहीं है, वो जो चाहता है वो करवाता है। अरे भले मानसो, मन ही ईश्वर है। जिसने मन को वश में कर लिया उसने ईश्वर को वश में कर लिया। ईश्वर आपके वश में आ जाएगा, मन आपके वश में है तो, क्योंकि मन ही तो ईश्वर है, मन ही तो माया है। ये जो ऋषि मुनि है, ये पहाड़ों में जाके अकेले बैठ के भूखे प्यासे एकदम जो मेडिटेशन करते रहते हैं, किस चीज की साधना करते हैं? अपने मन को वश में करने की ही साधना करते हैं। क्योंकि ये ऐसी चीज है जो कभी बस में आती नहीं है हर एक की। सबसे तीव्र गति मन की गति है भाई। हमने ब्रह्मांड को मापा है मन की गति से ट्रेवल करके। जो प्रकाश की गति से, ध्वनि की गति से, सबसे आज की डेट में जो इकाई मानते हैं वो प्रकाश की गति मानते हैं। प्रकाश की गति से 1,00,000 से भी ज्यादा गुना तेज गति है मन की। आप देखिए कितनी ताकतवर चीज है प्रकाश से भी। आप अपने मन की गति पे चल के ब्रह्मांड के इस आयाम से उस आयाम तक पहुंच सकते हैं, और सेकंडों में आप पूरे ब्रह्मांड की कल्पना मन में कर सकते हैं, और वो सत्य होगी क्योंकि ब्रह्मांड से परे तो कुछ है ही नहीं।
कल्पना किसकी करोगे? आप साक्षात ईश्वर के दर्शन कर सकते हैं मन में हो तो। उस इस मन को जीतना खंडे की धार है। और भारत ने जो तपस्या की, जो विधा पाई, जिस विज्ञान पे काम किया, वो इसी पे किया कि मन को वश में कैसे किया जाए। जैसे ही मन आपके वश से बाहर हो जाता है, वो आसुरी प्रवृत्तियों में आपको ढकेल देता है। और जिनके मन, जिनका मन उनके वश में रहता है, ईश्वर सदैव उनके साथ रहता है। अब किसी के ऊपर कोई जुल्म करने की मन की चाहत होती है, अगर आप नहीं करते हैं, मतलब मन आपके वश में है। आपको आइसक्रीम खाने को कहा जाए, आपके जुखाम लगी है और आपकी बड़ी इच्छा है, क्योंकि जुखाम लगी इसलिए थी क्योंकि आप आइसक्रीम बहुत खाते थे, बड़ा मन हो रहा है आइसक्रीम खाएं, आप नहीं खाते हैं तो आपका मन आपके वश में है। ये मन ही है जो आपके वश में नहीं होता है तो हजारों बीमारियां ले आता है। क्यों? पहले वैद्य जो दवाइयां देते थे वो कहते थे परहेज करना भाई, इस दवाई के साथ ये परहेज करना पड़ेगा तो ही ठीक होगे। तो क्या एक्सरसाइज थी? वो आपके मन के ऊपर आपका कंट्रोल करने की एक्सरसाइज होती थी। 3 महीने दवाइयां लेनी तो 3 महीने ये नहीं खाना, बीमारी वो खाने की वजह से भी, तो वो नहीं खाओगे बीमारी ठीक हो जाएगी, दवाई लो ना लो, पर दवाई के परहेज के नाम पे तो आप मन को वश में कर सकते हैं, वैसे नहीं कर पाते। जो डायबिटिक होता है उसको ज्यादा से ज्यादा मीठा खाने की इच्छा होती है, और डायबिटीज हुई मीठा खाने से है। जिस आदमी को हर बात पे टेंशन होती है वो डायबिटिक हो जाता है, हृदय का रोगी बन जाता है। डॉक्टर कहता है कि टेंशन मत लिया, अरे भैया इसको बीमारी ही टेंशन लेने से हुई है, ये टेंशन नहीं ले तो बीमारी ठीक ही है ना, कोई बीमारी नहीं है। तो मन को वश में करो दोस्तों, मन के हिसाब से चलो मत। मन तो करेगा कि 10 माले से कूद जाए, तो कूदना नहीं है, मन की विपरीत धारा में चल के देखो, मन को वश में करो, ईश्वर अपने आप वश में हो जाएगा। ईश्वर तो आपके अंदर ही बैठा है, वही आपका मन। आज के वीडियो में इतना ही, आशा आपको पसंद आया होगा। प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और कंट्रीब्यूट जरूर कीजिए भैया, जितना भी हो सकता है। और कम से कम 10-10 लोगों को तो शेयर करो, 100-100 को नहीं तो। महादेव।